हेलो एवरीवन, तो गणपति जी आ रहे हैं तो हम उनके लिए बनाएंगे मोदक। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पैन में पानी। तो मैंने 1.5 कटोरी के करीब पानी डाला है। उसके बाद 1 कटोरी इसमें डालेंगे चावल का आटा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो पानी एकदम बॉयल होना चाहिए। तो मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको बाइंड करेंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको डो की तरह बाइंड करेंगे। वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा गर्म पानी डालिएगा, मतलब गुनगुना पानी। और बाइंड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है और उसके बाद रेस्ट के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे रखेंगे पैन और उसमें मैंने देसी घी डाला है 1 चम्मच, 1 बड़े चम्मच। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश करके डाला है, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद डेजिकेटेड नारियल डालेंगे इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद, और साथ में हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने मैश कर दिया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ को बहुत ज़्यादा हमें मेल्ट नहीं करना है, पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इस कंडीशन पे हम गैस ऑफ कर देंगे। और जब हल्का ठंडा हो जाए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने मोल्ड लिया है, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, अलग अलग तरह के मोल्ड आते हैं। तो इस मोल्ड में मैं देसी घी लगा लूँगी, वैसे मैंने पहले से लगा के रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और लगा लेंगे। और मोल्ड लगाने के बाद इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। दोनों तरह से बना सकते हैं, खोल के भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, अच्छे से इसको चारों तरफ से फैला लेंगे और बीच में थोड़ा सा होल करेंगे स्टफिंग डालने के लिए। तो देखिए मैंने अच्छे से फैला दिया है और थोड़ा सा होल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्टफिंग जो हमने बनाई है। और स्टफिंग बना के थोड़ा सा आटा ऊपर से और लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर शेप आई है मोदक की। ये देखिए है ना, परफेक्ट मोदक। तो इस तरह से हम सारे मोदक बना के रख लेंगे। तो इस बार आप गणपति जी को इसी तरह से मोदक बना के एक बार जरूर भोग लगाइएगा। ये देखिए फ्रेंड, सारे मोदक मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसको हम स्टीम करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो गया है। और उसे मैंने एक जाली वाला प्लेट रख दिया है तो, और मैंने देसी घी भी लगा दिया है। अब सारे मोदक को हम इस तरह से रख देंगे और इसको 12 से 15 मिनट हम ढक के मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो 12 से 15 मिनट बाद मोदक एकदम बन के रेडी हो गए हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, चलिए अब इसको हम बीच में से कट करके दिखाएंगे कि जो हमने इसमें फिलिंग ऐड की है। ये देखिए फ्रेंड्स, बने हैं ना परफेक्ट मोदक। तो मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।